फूड इंस्पेक्टर की अखंड निद्रा से दूध वाले में आई इतनी बेईमानी के सुन सुन के बोफोर्स कांड बढ़ाता जाता दूध में पानी। अरे ग्राहकों का परम हितेशी घर पे आता इसलिए उसी से लेते, दूध के नाम पे प्योर पानी लेते और खून पसीने का पैसा देते। अशोक वाटिका में सीता की तरह हर महिला परेशान थी, दूध वाले इस रावण से कैसे बचे इसी बात से हैरान थी। अशोक वाटिका में सीता की तरह हर महिला परेशान थी, दूध वाले इस रावण से कैसे बचे इसी बात से हैरान थी। एक दिन मेरी तपेली में दूध के साथ बड़ा मेंढक उछल के आया, महिलाओं ने उसे घेर लिया, पहली बार प्रमाण सहित पकड़ में आया। एक दिन मेरी तपेली में दूध के साथ बड़ा मेंढक उछल के आया, महिलाओं ने उसे घेर लिया, पहली बार प्रमाण सहित पकड़ में आया। मैं बोला, तपेली को फूड इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट साहब को दिखाएंगे, अरे तुझे गिरफ्तार करवा के मुकदमा चलवा के लंबी सजा दिलवाएंगे। तो दूध वाला बोला, आप जो चाहे जो कर लीजिए, पहले मेरे जवाबों पे गौर तो कीजिए। श्रीमान, ये जो आज आपके दिमाग की हलचल है, क्षमा करें, यह मेरी बुढ़ी भैंस के परिश्रम का फल है। मेरी भैंस इतनी स्वाभिमानी है, अपना हाथ खर्चा खुद चलाती, तालाब में नहाने जाती, कई रईस मेंढकों को पीठ पे बिठा के लाती। दूध वाला बोला, आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन पहले मेरे जवाबों पे गौर तो कीजिए। श्रीमान, ये जो आज आपके दिमाग की हलचल है, क्षमा करें, ये मेरी बुढ़ी भैंस के परिश्रम का फल है। मेरी भैंस इतनी स्वाभिमानी है, अपना हाथ खर्चा खुद चलाती, तालाब में नहाने जाती, कई रईस मेंढकों को पीठ पे बिठा के लाती, और ये WT मेंढक जो दुर्भाग्य से आपके तपेले में आया, क्षमा करें, इसे भैंस में बैठ नहीं आता, पहली बार बैठ के आया। और ये WT मेंढक जो दुर्भाग्य से आपकी तपेली में आया, क्षमा करें, इसे भैंस पे बैठ नहीं आता, पहली बार बैठ के आया। ये रईस मेंढक प्रसन्नता से उछला, दूध की बाल्टी में गिर गया, अंधेरे में टंकी में, उजाले में तपेली में गिर गया। हर बुद्धिमान आदमी 99% इंटेलिजेंसी का यूटिलाइज खुद को सेव करने में लगाता है। इस पंक्ति का भाव ये है कि ये WT मेंढक जो दुर्भाग्य से आपके तपेली में आया, क्षमा करे, इसे भैंस पे बैठ नहीं आता, पहली बार बैठ के आया। मैं मेंढक पर हाथ घुमाते हुए बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, अरे शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। अतिथि देवो भव की संस्कृति क्या बोलती है ना। मैं मेंढक पर हाथ घुमाते हुए बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, अरे शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। कविता यहाँ से टर्न लेती जो देखना। तो मेंढक नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊँगा, अरे दूर से दुल गया हूँ, चुनाव लड़ के दिल्ली की संसद में जाऊँगा। हाँ, दूसरे दुल गया। मैं मेंढक पर हाथ घुमाते हुए बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, अरे शाम का खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। तो मेंढक नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊँगा, अरे दूर से दुल गया हूँ, चुनाव लड़ के दिल्ली की संसद में जाऊँगा। मैं बोला, रे मूर्ख, छोटा सा मेंढक होके इतनी लंबी निद्रा लेता है, कुंभकर्ण वोटों की राजनीति को तू सत्यु की गरिमा देता है, अरे संसद में दूध से धुल के नहीं, चेहरे पे काला पोत के जाते हैं, और मेंढक नहीं मगरमच्छ जाते हैं, जब भी मुंह खोला करोड़ों निकल जाते हैं। मैं बोला, रे मूर्ख, छोटा सा मेंढक हो के इतनी लंबी निद्रा लेता है, रे कुंभकर्ण वोटों की राजनीति को तू सत्यु की गरिमा देता है, अरे संसद में दूध से धुल के नहीं, चेहरे पे काला पोत के जाते हैं, और मेंढक नहीं मगरमच्छ जाते हैं, जब भी मुंह खोला करोड़ों निकल जाते हैं। और वहाँ क्या है, संसद के सभी श्रेष्ठ लुटेरे तुझे लूटना फिर बांटना सिखाएंगे। वहाँ टीचिंग एजुकेशन क्या है, संसद के सभी श्रेष्ठ लुटेरे तुझे लूटना फिर बांटना सिखाएंगे, फिर भी आप नहीं सीखे, VP सिंह की तरह बहुत दुख उठाएंगे। और अंतिम दो पंक्तियाँ देखना कि आत्म कविता ही यही है, बाकी तो मजाक समझता हूँ, कि आत्मदाह करता हुआ मेंढक बोला, आज मेरी अंतर्वेदना यही है कि इस देश की राजनीति में दूध से धुले हुए के लिए कोई स्थान नहीं है। कि आत्मदाह करता हुआ मेंढक बोला, आज मेरी अंतर्वेदना यही है कि
कि इस देश की राजनीति में दूध से दुले हुए के लिए कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद, आपने एक पंक्ति के एक रचना के लिए आदेश दिया। आई थिंक आई कंप्लीटेड माई प्रोग्राम।